जिंदगी एक जंग है, जिंदगी में एक मंजिल चुनना जरूरी है। जुनून के साथ दौड़ो, कितनी चूड़ियां देखने को मिलेंगी फिल्म ट्रिपल आर में। आखिर फिल्म के कौन से सॉन्ग की हो रही है जमकर तारीफ? जानवी कपूर ने ट्रिपल आर के किस एक्टर को चुना अपना हीरो? दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में। डांसिंग सेंसेशन रामचरण और जूनियर इंडिया जल्द ही अपनी फिल्म ट्रिपल आर को लेकर आप सभी के सामने आने वाले हैं। ये बात तो किसी से नहीं छुपी है कि फिल्म बाहुबली के पॉपुलर डायरेक्टर राजा मौली इस फिल्म को बना रहे हैं। फिल्म एक पीरियड ड्रामा है जो साउथ के ही दो स्वतंत्रता सेनानियों अल्लूरी सीतारामा राजू और कोमाराम भीम की एक फिक्शनल कहानी को बयां करती है। फिल्म में साउथ की एक मशहूर हीरोइन श्रिया सरन भी दिखाई देंगी और उनके साथ जोड़ी बनाएंगे बॉलीवुड के सिंगम अजय देवगन। अजय देवगन फिल्म में एक अहम भूमिका में नजर आएंगे। इसके अलावा फिल्म की मेन एक्ट्रेस रहेंगी आलिया भट्ट। जी हाँ, गंगूबाई जल्द ही साउथ की फिल्म में डेब्यू करेंगे और उनका किरदार इस बार एक घरेलू लड़की का है। वहीं आलिया की जोड़ी फिल्म में रामचरण के साथ बनाई गई है। वहीं फिल्म में हॉलीवुड अभिनेत्री ओलिविया मोरिस जूनियर एनटीआर के साथ नैनो से पीठ लड़ाती हुई नजर आएंगी। 2400 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म को लेकर साउथ से लेकर नॉर्थ, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक काफी चर्चा है। फिल्म का फर्स्ट सॉन्ग दोस्ती फ्रेंड्स ऑफ डे पर रिलीज हुआ, वहीं दूसरे ने भी हर तरफ धमाका मचा रखा है। अब जब से पता चला है कि फिल्म में आलिया को राजा मौली, रामचरण और जूनियर एनटीआर जैसे साउथ इंडस्ट्री के तीन बड़े कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला है, तब से कई बॉलीवुड हीरोइनों ने साउथ की फिल्मों में काम करने की अपनी इच्छा जताई है। इसी लिस्ट में शामिल हो चुकी है धड़क हीरोइन जानवी कपूर का नाम। जानवी कपूर बॉलीवुड की एक पॉपुलर सेलिब्रिटी है। यह पहली बार नहीं है जब उनके साउथ सिनेमा में आने की अफवाहें वायरल हुई थी। हाल ही में जानवी कपूर ने जूनियर एनटीआर की अगली फिल्म के साथ टॉलीवुड में अपनी शुरुआत करने की खबर से सबको हैरानी में छोड़ दिया है। साथ ही अनुमान लगाए जा रहे थे कि वह निर्देशक बुच्ची बाबू सना के साथ अपनी अगली फिल्म में एनटीआर के साथ नजर आएंगी। जानवी के पिता से जब हैदराबाद में वलीमई प्री रिलीज इवेंट पर इसके बारे में पूछा गया तो बोनी कपूर ने कहा, यह सोशल मीडिया अफवाह से ज्यादा कुछ नहीं है। सोशल मीडिया एक अजीब जगह है, आए दिन कोई न कोई नई अफवाह सामने आती है। जानवी को एनटीआर की फिल्म में लेने की अफवाह उसी लिस्ट में आती है। उन्होंने कंफर्म किया कि जानवी जल्द ही टॉलीवुड में अपनी शुरुआत करेंगी। श्रीदेवी के कई फैंस तेलुगु सिनेमा में जानवी के अभिनय की शुरुआत के बारे में पूछते रहते हैं। यहाँ के फैंस वास्तव में हमारे लिए खास है और जल्द ही उन्हें एक बड़ा सरप्राइज भी देंगे। मैं किसी दिन उनका अभिनय टॉलीवुड फिल्म में भी देखना चाहता हूँ, जितना आप सभी चाहते हैं, निर्माता ने कहा। दोस्तों, जानवी कपूर ने अपने एक्टिंग डेब्यू की शुरुआत 2018 में शशांक खेतान द्वारा निर्देशित रोमांस धड़क से की, जिसमें ईशान खट्टर उनकी को स्टार थे। फिलहाल जानवी ने आनंद एल रॉय द्वारा निर्मित 2018 तमिल फिल्म कोलामाओ कोकिला के हिंदी एडेप्शन गुड लुक जेरी को पूरा किया है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या जूनियर एनटीआर के साथ जानवी की फिल्म महज एक रूमर है या फिर एक अपकमिंग रोमांटिक जोड़ी की आगाज। आप किस जोड़ी के बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें और सेफ रहें।